अशोक तंवर ने शायद ऐसा सोचा होगा कहीं ना कहीं क्या कांग्रेस पार्टी में वही रुतबा उनको मिल पाए और कहीं ना कहीं शरद कुमारी शैलजा कमजोर हुई है, उसी को मद्देनजर रखते हुए अब उन्होंने कांग्रेस पार्टी में आने का मन बनाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। मेरा साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। मेरा साहब, दल बदल का जो सिलसिला है वो हरियाणा की राजनीति में थम नहीं रहा है। बात करें हरियाणा की राजनीति की तो आया राम गया राम का सिलसिला हरियाणा की राजनीति से शुरू होता है और उसके बाद जैसे ही इस बार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होती है उसके बाद उम्मीदवारों का पार्टियां बदलना बहुत तेजी से शुरू हुआ। आज एक दिन रहता है और आज अशोक तंवर जो पहले कांग्रेस के बड़े लीडर थे, प्रदेश प्रधान भी रहे, फिर आम आदमी पार्टी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में गए और आज उन्होंने दोबारा से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। तो क्या लगता है कि उनका ये दाव ऐसे समय पर किस ओर रुख कर रहा है जो परिणामों का? देखिए राजेंद्र जी, आपने जैसे दल बदल की बात की है तो ये एक एक ये मौसम होता है दल बदल का चुनाव के आसपास। जिन जो राजनेता हैं, जो लीडर हैं, जो विभिन्न पार्टियों के लीडर हैं, जो उन अपनी पार्टी में अपने आप को फिट नहीं कर पाते, वो एक अवसर की तलाश में रहते हैं कि कभी हम पार्टी बदलें, चुनाव आएंगे तो पार्टी चेंज करेंगे। और वो ये देखते हैं कि मौसमी जो वैज्ञानिक उनको कहा जाता है, किस पार्टी का किस स्टेट में भी हवा चल रही है, उस हवा की ओर बहने वाले वो लोग होते हैं। उनमें मुझे लगता है आज जो खबरें आई हैं, डॉक्टर अशोक तंवर जो पूर्व सांसद भी रहे हैं सिरसा से, आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। भारतीय जनता पार्टी उन्होंने 2019 में उनके कद अनुसार जैसे अपने उन्होंने अपने माना है कि उनको इतनी टिकट नहीं मिली जितनी उनको अपेक्षाएं थी, तो इस बात से खफा होकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी से रिजाइन किया था। कांग्रेस पार्टी के बाद वो उन्होंने अपना एक स्वराज पार्टी मोर्चा बनाया, उसमें भी उसको भी आगे नहीं बढ़ा पाए। उसके बाद उन्होंने टीएमसी में ज्वाइन किया, टीएमसी में भी वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए। उसके बाद फिर आप पार्टी में आए, आप पार्टी में भी नहीं अपने आप को जो कम्फर्ट महसूस कर पाए वो, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आए। भारतीय जनता पार्टी में जब आए थे तो आने के बाद मनोहरलाल खट्टर जी के नेतृत्व में आए थे, वो लेके आए थे उन्होंने, और मनोहरलाल खट्टर जी ने उनको कहा था ये मेरे भांजे हैं जी। तो मामा भांजा का रिश्ता उस दिन से शुरू हो गया था। खट्टर जी ने कहा था उनका जो गुनियाणी गांव है, जो अशोक तंवर की माता है गुनियाणी गांव की, इसलिए मेरे अशोक तंवर मेरे भांजे। और कहीं ना कहीं वो लगने लगा था कि शायद जो मनोहरलाल खट्टर अपने भांजे को सिरसा विधान लोकसभा क्षेत्र से टिकट दिलवाएंगे, और सिरसा लोकसभा क्षेत्र से उनको टिकट मिली। लेकिन टिकट मिलने से पहले लोगों में ये लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए थे कि अशोक तंवर यहाँ भी नहीं टिक पाएंगे और अंततः अल्टीमेटली वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी से, बड़ा अच्छा चुनाव लड़ा। हालांकि वो 268,000 वोटों से वो चुनाव जो कांग्रेस की लीडर है कुमारी शैलजा उससे हार गए थे। चुनाव हारने के बाद और ज्यादा उनको कहीं ना कहीं मनोबल में कमी आई और उन्होंने अब जो चुनाव का दौर चल रहा है, चुनाव के दौर में उन्होंने एक हवा देखी, हवा देखते हुए उन्होंने अब कांग्रेस पार्टी को अभी आज ही ज्वाइन किया है जी। खबरें आ रही हैं जी। तो मुझे लगता है मामा भांजा का रिश्ता ज्यादा, अब पता नहीं जो मनोहरलाल खट्टर पहले भांजा बताते तब आगे अशोक तंवर को क्या कहेंगे। मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि मनोहरलाल खट्टर उनको अपना भांजा कहते थे, ऐसे समय पे पार्टी को छोड़ देना, तो अब खट्टर साहब क्या कहेंगे भांजे को? देखो खट्टर साहब भांजे को क्या कहेंगे, मामा भांजा का रिश्ता ये आप सभी जानते हैं और ये मामा और भांजा में से कोई भी कुछ आगे कैसे बढ़ेंगे ये तो उन्होंने देखना है। लेकिन जो जो डॉक्टर अशोक तंवर की बात है, अशोक तंवर के बारे में जैसे मैंने पहले बताया, कोई सभी आदमी आम जन में ये चर्चाएं थी कि वो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली कांग्रेस में आएंगे और अशोक तंवर अब ये देखते हुए कहेंगे कहीं ना कहीं कांग्रेस में आएंगे। जो जो कुमारी शैलजा का घटनाक्रम हुआ, कुमारी शैलजा का भी अभी उनके जो कद अनुसार टिकट उनको कांग्रेस पार्टी नहीं दे पाई उनके जो समर्थकों के, और उससे कहीं ना कहीं लोगों में ये हुआ कि कांग्रेस शैलजा कांग्रेस पार्टी से नाराज है। हालांकि कांग्रेस पार्टी से शैलजा नाराज नहीं हुई है,
तो उसकी प्रतिपूर्ति के लिए अशोक तंवर ने शायद ऐसा सोचा होगा कहीं ना कहीं क्या कांग्रेस पार्टी में वही रुतबा उनको मिल पाए और कहीं ना कहीं शायद कुमारी शैलजा कमजोर हुई है उसी को मद्देनजर रखते हुए अब उन्होंने कांग्रेस पार्टी में आने का मन बनाया है। लेकिन ये हम सब का मानना ये भूल होगी कि कांग्रेस पार्टी में शैलजा का रुतबा कहीं ना कहीं कम हुआ। शैलजा का एक अपना स्थान है और शैलजा का स्थान लेने के लिए शायद मुझे लगता है कांग्रेस जो अशोक तंवर ने कांग्रेस ज्वाइन करना किया है। दलित नेता के तौर पर अगर कुमारी शैलजा की बात करें तो बड़ा कद है कांग्रेस में और शायद आप जैसा कह रहे हैं कि उनको ये लग रहा था कि इस समय शायद उनका कद जो है वो कम हो जाएगा और वो जो जगह है वो तंवर जी लेने में सक्षम हो जाएंगे। दूसरी तरफ आज एक और प्रकरण हुआ कि चुनाव प्रचार चल रहे हरियाणा में और आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का और ऐसे समय पे कुमारी शैलजा चुनाव प्रचार छोड़कर जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हरियाणा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो कुमारी शैलजा चुनाव प्रचार छोड़कर दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलने गई, इसके क्या मायने हो सकते हैं? देखिए आज जैसे चुनाव आयोग के आदेशानुसार आज जो चुनाव है 6 तारीख 6 बजे सभी के लिए बंद हो जाएगा। कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई भी उम्मीदवार सार्वजनिक रूप से बैठक करके और सार्वजनिक रूप से जनसभाएं करके चुनाव प्रचार नहीं कर पाएगा। हालांकि चुनाव प्रचार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चुनाव प्रचार किया जा सकता है जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर सकते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कोई रणनीति के तहत उन्होंने जो कांग्रेस की लीडर है सोनिया गांधी उन्होंने उनको बुलाया और कोई रणनीति के तहत ही कुमारी शैलजा उनके पास गई है और उनके जाने के बाद क्या वक्तव्य उनका आएगा ये देखने वाली बात है। और हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है राहुल गांधी ने स्पष्ट किया है कि ये बहुत अच्छी मुलाकात थी उनकी और कांग्रेस को मजबूत करने की मुलाकात थी जी। तो मतलब इसके ये ऐसे कोई गलत कयास ना लगा जाए ये एक रणनीति के तहत मुलाकात हो सकती है। ये राजनीति विपक्षी राजनीति पार्टियां जो कांग्रेस के विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां मतलब भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी जो कांग्रेस के खिलाफ पद खड़ी पार्टी है वो कुछ भी लगा सकती है। मुझे नहीं लगता कुछ इस तरह का कोई जो कांग्रेस के खिलाफ जाने वाला कोई घटनाक्रम होगा ऐसा सदा मुझे नहीं लगता ऐसा कोई स्टेप उठाएंगी और नहीं उठा सकती। प्रेस मेरे खून में उन्होंने पहले भी कहा जी, 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 जी। और ये मुझे लगता है उनका उनकी जो एग्जिस्टेंस है उनका जो एक एक व्यक्तित्व है वो कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। और अभी डॉक्टर अशोक तंवर की जो आपने बात की है अशोक तंवर अपनी उस रुतबे को बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे वो बात तो देखने वाली है। हालांकि उनके साथ उनकी जो राहुल गांधी है पहले उनकी दोस्ती रही है बाद में कई पार्टियों में अशोक तंवर चेंज किया वो किया तो राहुल गांधी से दोस्ती का फायदा कितना उठा पाते हैं वो। और 2019 में जिन परिस्थितियों में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से रिजाइन किया था वो कांग्रेस को हुड्डा कांग्रेस बताने लगे थे वो हरियाणा में आज भी अमूमन वही परिस्थितियां हैं जी जी। आज भी हुड्डा जी का अच्छा दबदबा कांग्रेस में कह सकते हैं अच्छा दबदबा है क्योंकि 75-70 से भी ज्यादा सीटें उनके उनके उनसे समर्थकों को मिली हैं। तो आज भी वो हुड्डा के साथ कैसे अपनी पटरी बैठा पाएंगे ये बात देखने वाली होगी। लेकिन अल्टीमेटली ये है कि आज जो उन्होंने पार्टी छोड़ी है भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है तो छोड़ने के बाद अब जो मनोहर लाल उनको भारतीय जनता पार्टी में लेकर आए थे अब मनोहर लाल जी डॉक्टर अशोक तंवर को अपने भाणजे को क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है वो दलित वोट को साध नहीं पा रही है, दलित वोट को नहीं साध पा रही, साथ साथ दलित नेता जो है वो भी उनसे जो है अलग होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए कांग्रेस जो दलित वोट है अब तक ये माना गया कि कांग्रेस का पक्का वोट माना गया और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की क्षेत्रीय पार्टियों के साथ जो उनके गठबंधन हुए हैं वो ऐसी पार्टियों के हैं कहीं ना कहीं जो दलित वोटों से संबंध रखते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं लग रहा है इस समय जो हवा है वो कांग्रेस के हक में जाती नजर आ रही है जो इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े लीडर है वो पार्टी छोड़कर ऐसे समय पे दूसरी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हवा का रुख देखकर शायद इसमें शामिल होते नजर आ रहे हैं। देखिए आज इस 2024 का जो हरियाणा विधानसभा का चुनाव है राजेंद्र जी वो उस चुनाव में सभी जो मुख्य पार्टियां जो मैदान में है चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे NLD हो चाहे BSP हो और चाहे आम आदमी पार्टी हो या जो जननायक जनता पार्टी हो सभी पार्टियों का ये फोकस है इस फोकस इस पे ध्यान है कि
ज्यादा से ज्यादा दलित वोट कैसे उनकी तरफ उनके पक्ष में किया जाए। और जैसे भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि दलित वोट तुम्हारे से छिटका है, पार्टी से छिटका, वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने की, जो दलित वोट है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको चुनाव में फायदा हो जी। तो ये आज जो बड़े बड़े जो समाचार पत्रों में ये ऐड आई है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें कहीं कहीं दलित के बारे में जो ये बताया गया कि कांग्रेस पार्टी हुड्डा ने, विशेष रूप से हुड्डा का उन्होंने फोटो बनाया और हुड्डा ने दलित का किस प्रकार से उत्पीड़न किया है, उनका ये मकसद है कि दलित वोट कहीं कहीं कांग्रेस से छिटक कर या तो डाइवर्ट हो जाए या तुम्हारे पास आए। मुझे नहीं लगता कि ऐसे समय पे इन चीजों का फायदा हो सकता है, क्योंकि ये एक चुनावी स्टंट है, चीज को पब्लिक अच्छे से समझती है और समझ पा रही है। खैर दोस्तों, देखो लास्ट मोमेंट तक हर पार्टी इस तरह के जो स्ट्रेटजी है कोशिश करती है, लेकिन ये स्ट्रेटजी उनके काम आएगी नहीं काम आएगी, मुझे नहीं लगता ये स्ट्रेटजी काम आएगी इस टाइम पे। हरियाणा के लोग बड़े मुखर है, हरियाणा के लोग जो मन बना चुके हैं, जो जिसके पक्ष में वोट देने और ना देने का जो मन बना चुके हैं वो तय कर लेते हैं पहले ही। कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि बदलाव की एक ब्यार बहती हुई नजर आ रही है इस बार। अभी देखो आज चुनाव प्रचार खत्म हुआ है, उसके बाद 5 तारीख को जो चुनाव है और 8 तारीख को चीजें क्लियर हो जाएंगी, वो हम सबके सामने आ जाएगा। सो दोस्तों, जो भी होगा सब कुछ आपके सामने आ जाएगा 8 अक्टूबर को, लेकिन दल बदल का जो सिलसिला है ये किस पार्टी को फायदा पहुंचाएगा, किस पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा, 8 अक्टूबर ये तय कर देगा। तब तक देखते रहिए अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, आप कोई कमेंट करना चाहते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करिए, आपके हर कमेंट का, आपके हर सुझाव का स्वागत है। और देखते रहिए अर्थ प्रकाश टीवी। मेरा साहब आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद रजनीत जी, धन्यवाद धन्यवाद।